बहुत बहुत स्वागत है मैं सबकी सहेली चैनल पर। तो अंडे फूटने के लक्षण यानी कि ओवुलेशन के लक्षण। ओवुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि गर्भधारण के जो चांसेस हैं वो 100% होते हैं। मतलब कि अगर महिलाओं में कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो वो अच्छे से गर्भधारण कर सकती हैं। ओवुलेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि आपके एक अंडाशय से एक अंडा फेलोपियन ट्यूब में आता है और वहाँ पर वह स्पर्म से मिलने का इंतज़ार करता है। जब आप रिलेशन में आते हो अपने पार्टनर के साथ और स्पर्म जब एंटर होता है फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ से फर्टाइल होता है और एम्ब्रो को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो एम्ब्रो जाके आपके यूट्रस की लाइनिंग में चिपकती है और बच्चा तैयार होना शुरू होता है पूरे 9 मंथ की प्रक्रिया में। ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, ओवुलेशन होता कब है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन महिलाओं का जो पीरियड साइकिल होता है वो 28 से अगर 35 दिनों के बीच का पीरियड साइकिल है, उन महिलाओं में ये ओवुलेशन की प्रक्रिया जो है वो महीने के बीच के दिनों में होगी। यानी कि अगर मान लें कि अगर एक महिला का पीरियड जो है वो 1 तारीख को शुरू हुआ है और अगले महीने उसी 1 तारीख को फिर से शुरू होगा, तो उस महिला को ओवुलेशन के जो दिन है वो होंगे 15 से लेके 20 दिन के आसपास। उसी दिन ये ओवुलेशन के संकेत लक्षण आपके शरीर आपको देना शुरू करेगा, जिसमें कि सबसे पहला लक्षण ये होता है आपके डिस्चार्ज को लेके। उन दिनों में जो आपके डिस्चार्ज है काफ़ी गाढ़ा होगा, काफ़ी उसमें इलास्टिसिटी होगी, और अगर उसकी बात करें कि वो देखने में कैसा होगा, तो आप कच्चे अंडे का जो उजला पारदर्शी पदार्थ होता है उस टाइप के आपको डिस्चार्जेज होंगे। वो डिस्चार्जेज नॉर्मल डे यानी कि आम दिनों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा होंगे, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होगा और रंग भी उसका थोड़ा अलग होगा। तो डिस्चार्ज भी ओवुलेशन का एक सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। दूसरा ये है कि आपके सर्विक्स के पोजीशन को लेके, उन दिनों में जो सर्विक्स है वो नीचे होता है, यानी कि जब आप उसको टच करोगे तो वो ईजिली टच हो जाएगा। उन दिनों में सर्विक्स काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुला हुआ होता है, जिससे कि ये गर्भधारण की प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। कई महिलाओं में थोड़े बहुत बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंज आता है। आम दिनों से उनके बॉडी के टेम्परेचर बिल्कुल थोड़े से आधे डिग्री अगर हम माने तो बढ़े हुए होते हैं। अगर बात करें तो उसमें नेक्स्ट जो संकेत होगा वो होगा लिबिडो का इंक्रीज होना, यानी कि रिलेशन के प्रति आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के प्रति अट्रैक्ट होंगी। ये एक और सिम्टम्स माना जाता है ओवुलेशन के दिनों में, लिबिडो का इंक्रीज होना। नेक्स्ट सिम्टम्स है ब्रेस्ट में टेंडरनेस या बिल्कुल हल्का सा क्रैम्प आना। ये ओवुलेशन की जब प्रक्रिया आपके बॉडी के अंदर होती रहती है तो ये एक और इफ़ेक्ट होता है आपके ब्रेस्ट में, और ये बिल्कुल हल्का सा क्रैम्प या पेन आपको महसूस होगा। तो ये सारे संकेत हैं ओवुलेशन के, जिससे कि आप बहुत ईजिली आप जान पाएंगे कि आपको ओवुलेशन हो रहा है महीने के उन बीच के दिनों में, और ये गर्भधारण करने का बिल्कुल सही समय है। अब ये कि जिन महिलाओं का पीरियड बिल्कुल सही से नहीं होता है, या फिर काफ़ी दिन गैप के बाद आता है, या काफ़ी जल्दी आ जाता है, उन महिलाओं में ये ओवुलेशन का जो डेज है वो एक समान नहीं रहता है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।